इंदौर के वर्दीशीपुरा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक कक्षा 10वीं के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल कारण अज्ञात बताया जा रहा है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्बा अस्पताल पहुंचाया है। अनिकेत वर्मा, क्या घटना हुआ? वो पढ़ाई करता था, मेरिट क्लास में था अपने नंदा नगर में। मालवा मिल क्षेत्र का निवासी है, इंदौर समाचार के पास घर है। क्या करा इसने? सुसाइड कर लिया था। कैसे? उसने फांसी लगाई है। ये आज जैसे रात में कब लगाई ये तो नहीं मालूम पड़ा, जब मॉर्निंग में उठे उसके मम्मी पापा तब मालूम पड़ा। क्या कारण है? कारण तो कुछ भी नहीं था, 15 साल का बच्चा है, थोड़ा ना समझ ही समझो उसको इतनी उम्र में। तो प्लस ये है कि जैसे कि स्थिति तो उसकी ऐसा किसी भी मामले में नहीं लग रहा था कि जैसे डिप्रेशन का शिकार है या कोई विवाद हो या घर में कोई परेशानी, ऐसा कुछ भी नहीं था। प्लस ये है कि घर में जो मीडियम वर्गी के थे उस स्थिति में, मतलब उसने रात को खाना भी, उसके पापा आए सब्जी बेच के शाम को, तो उनने खाना रात को 11:30 बजे खाना भी गर्म करा, इनने साथ में खाना आना खाया, काफ़ी कुछ, मतलब ऐसा देखने में नहीं आ रहा कि कहीं से कहीं तक तो कोई परेशानी हो। नहीं, उसका 1 महीने से मोबाइल फूट गया था। अच्छा, तो क्या मोबाइल मोबाइल फूटने? नहीं, ऐसा नहीं है, फैमिली है, मोबाइल नहीं। बस एक बार मेरे को स्थिति जानने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा, जो कि हम गए नहीं कि स्कूल में क्या है क्या नहीं। कुछ जहाँ तक मैटर मेरे को लगता है अपन स्कूल में जाकर मैडम और कुछ बच्चों से जानकारी लेंगे कि क्या था, कुछ पढ़ाई के मामले में डिफरेंस था क्या था। कौन सी क्लास में था? 10वीं में था सर। आपका, आप कौन? मैं उसका मामा का लड़का, मतलब मेरा भाई है वो। क्या नाम है? मेरा गोपाल कोतवाल। इंदौर में सोशल मीडिया पर युवतियों को गंदे कमेंट व परेशान करने वाले आरोपी को पुलिस ने गोवा से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में आए बदमाश से MIG पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। जी, ये वर्ष 2021 का मामला है, अपराध क्रमांक 496। इसमें दो पीड़िता हैं जिन्होंने शिकायत की कि इंस्टाग्राम पर एक व्यक्ति जो है उनको आकाश सिंघानिया नाम का मिला और जो उनको परेशान करने लगा और कहने लगा उससे फ्रेंडशिप करें नहीं तो वो उनको बदनाम कर देगा और उनको उनकी फिशिंग करने लगा। इस पर से हमारे यहाँ थाने में जो है 506, 507 और 354 IPC और IT Act के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया था। इसमें जो आरोपी का जो मोबाइल नंबर निकला, जो हम लोगों ने निकाला, वो 8010248703 था। इस पर हमने साइबर एक्टिविटीज़ करके इसको जो है हमने वहाँ गोवा से पकड़ा, जहाँ पर एक होटल में ये हाउसकीपिंग कर रहा था। और इसका जो मूल नाम जो निकला तो आकाश सिंघानिया उर्फ केशव कुशवाहा सनाफ राजा राम कुशवाहा काशीराम आवास और ललितपुर झांसी का रहने वाला है पाया गया, जिसे आज हम लोगों ने गिरफ्तार करके जो है न्यायालय पेश कराया है और इसका 1 दिन का पुलिस रिमांड भी लिया था, जिसमें हमने इसकी सारी डिटेल जानकारियां ले ली। ये इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट करता था, इसे कहते हैं कि साइबर में की भाषा में फिशिंग करना। अभी 2 लड़कियों ने शिकायत की थी, 2 लड़कियों की रिपोर्ट पर हमारे यहाँ अलग अलग 2 अपराध हैं जिसमें इनकी दोनों ही अपराधों में गिरफ्तारी हुई है। ये जो है होटल में जो है हाउसकीपिंग का काम करता था, साफ सफाई। लड़की जो है वो पढ़ने वाली लड़कियाँ हैं जिनको उनके सोशल मीडिया पर जो है उनके गंदे चित्र डालने की बात वो जो है वो कर रहा था, इस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया और डिटेल हमारे पास सब है साक्ष्य। इंदौर में लगातार कारों के साइलेंसर चोरी होने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसा ही मामला एरोडम थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां से चोर 3 मारुति कारों के साइलेंसर चोरी कर ले गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल यह घटनाक्रम थाना एरोडम क्षेत्र के रतनबाग कॉलोनी का है, जहाँ के बीती राति में क्षेत्र में खड़ी हुई 3 मारुति इको कार के साइलेंसर किसी अज्ञात चोर के द्वारा चोरी किए गए हैं। घटना की रिपोर्ट थाना पर होने पर इसमें अज्ञात आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। निश्चित तौर पे यदि साइलेंसर चोरी की घटनाओं में यदि वृद्धि होती है तो पुलिस के लिए चिंतनीय विषय है, हम इस पर काम कर रहे हैं। CCTV फुटेज के आधार पर और स्थानीय जो पुलिस इमदादी नागरिक हैं उनके सहयोग से तथा जो संदिग्ध हैं उनसे कड़ी पूछताछ करके हम जल्दी ही तह तक पहुंचेंगे। और इंदौर ट्रैफिक विभाग में पदस्थ SI की ड्यूटी कर घर जाने के बाद देर रात तबीयत बिगड़ गई। परिजन तत्काल अस्पताल कर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हालांकि मौत हार्ट अटैक से होना ही बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस SI के शव का पोस्टमार्टम करवा रही है ताकि PM रिपोर्ट में और स्पष्टीकरण सामने आ सके। अमर सिंह भाटिया का नाम, पिता भगीरथ भाटिया। क्या उम्र थी? उनके 53 साल थी।
कहाँ रहते थे? ये वहाँ खजराना पुलिस लाइन में रहते थे। कैसे रहते हो? ये क्या रात में 4-4:30 बजे उनको घबराहट हुई और वो घबराहट हुई, इसके बाद में ये अपने मच लाए घबराहट हुई तो अटैक का बोला डॉक्टर ने, अटैक हो गया। हाँ डेट हो गई। ड्यूटी गए थे? ड्यूटी सुबह नहीं गए थे, वो तो 12 से 8 में थी ड्यूटी उनकी। कल गए थे ड्यूटी? हाँ गए थे ना कल। उसके बाद में नाइट में घर आ गए ड्यूटी करके। कहाँ पदस्थ है ये? यातायात पूर्व में पदस्थ है मतलब। क्या नाम पता है, कैसे रहे? अमर सिंह भाटिया, पिता भागीरथ भाटिया, उम्र 53 साल, निवासी सी / 3 खजराना पुलिस लाइन इंदौर। ये अभी वर्तमान में यातायात में पदस्थ थे। कल रात में अचानक उनकी स्वास्थ्य खराब हुआ और घबराहट हो गई थी, जिसके कब होने के बाद बेहोश हो गए थे। उसके बाद ही अस्पताल लेके आए, जहाँ पर डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया। अच्छा, कल ड्यूटी पे गए थे? कल वर्तमान में थे पदस्थ? हाँ अभी ट्रैफिक में थे। हाँ कैसे क्या मौत हुई, संदिग्ध मामला? नहीं, अब जहाँ तक है कि घबराहट हुई है तो अब अपन क्या बता सकते हैं, अटैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जांच के बाद ही पता चलेगा। क्वेश्चन ASI राकेश चौहान, खजराना। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों मामूली से विवाद के बाद एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में बाप बेटे सहित एक नाबालिग को पुलिस ने बुरहानपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी मारपीट की घटना के बाद फरार हो गए थे, जिनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। एक आत्माराम करके व्यक्ति हैं और उसमें एक निशांत करके व्यक्ति हैं। निशांत और आत्माराम एक ही मकान में किराए से दोनों रहते हैं, आजू बाजू में इनके कमरे हैं। और ये परसों देर रात की बात है, ये निशांत अपने बच्चों को मोबाइल पर गाने चलाकर और खुद इंटरटेन हो रहा था, बच्चों को भी डांस वांस करा रहा था। तो उसी बात से आत्माराम ने जो है उसको बोला कि इतनी रात गए क्यों गाना बजा रहा है और क्यों चिल्ला चोट कर रहा है। तो इस बात पे इनकी कुछ कहा सुनी हुई। उसी समय आत्माराम ने अपने बेटे नंदू को फ़ोन करके बुलाया कि ये मुझे परेशान कर रहा है, मेरे से लड़ रहा है, झगड़ रहा है। तो नंदू अपने एक और साथी के साथ वहाँ पहुँचा और फिर उसने निशांत से बात की और फिर उसी दौरान उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ। तो मारपीट करने के बाद इसने निशांत को, नंदू ने एक चाकू मार दिया जो उसके पेट में लगा। तो जे इसको तत्काल अस्पताल लेकर गए। तो निशांत की रिपोर्ट पर से हमने नंदू और उसके पिता आत्माराम तथा एक और अन्य के खिलाफ 307 का मामला पंजीबद्ध कर लिया था, जिसमें नंदू और दूसरा अपचारी वाला के दोनों यहां से भागकर बुरहानपुर चले गए थे। तो कल देर शाम पुलिस इनको बुरहानपुर से पकड़ कर लाई है। तो इस घटना में हमने चाकू भी जब्त कर लिया है और तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, इनको माननीय न्यायालय पेश कर रहे हैं। हाँ, एक बाप है उसमें आत्माराम और बेटा नंदू है और तीसरा एक अन्य लड़का है नंदू का साथी, और वो नाबालिग है, अपचारी बालक है। घायल की हालत खतरे से बाहर है, ठीक है, अभी भी वो SNG हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको आउट ऑफ डेंजर है वो, और मामले में हम अब अग्रिम अनुसंधान कर रहे हैं। इंदौर में रिटायर्ड अपर कलेक्टर के घर बीते दिनों चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने चोरी की घटना को अंजाम देते समय घर से बंदूक भी चोरी कर ले गए थे। फिलहाल में पुलिस सभी आरोपियों से अन्य चोरी की वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है। लसुड़िया थाना क्षेत्र में बीते दिनों में कुछ चोरियाँ हुई थी, जिनके लिए पुलिस की टीम लगातार प्रयास कर रही थी। ऐसी एक चोरी में सफलता प्राप्त हुई है। यह चोरी एक SDM साहब के घर से हुई थी, जहाँ से 12 बोर की राइफल भी चोरी हुई थी। क्योंकि इस मामले में एक हथियार गया था, इसलिए ज़्यादा संवेदनशील ये चोरी थी और इसमें टीम लगातार काम करती रही। इसमें चोरों को पकड़ने में सफलता पुलिस की टीम को मिला है। इसमें 5 आरोपी पकड़े गए हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है और भी इनका PR लेकर और भी गहनता से पूछताछ की जाएगी। इन्होंने और भी कहाँ कहाँ घटनाएँ की हैं, किस ढंग से की हैं, उसके बाद जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कहाँ के रहने वाले आरोपी हैं? ये जो आरोपी हैं, इनके प्रोफाइल में 2 इसमें खजराना के रहने वाले हैं, 2 परदेशीपुरा क्षेत्र के हैं, 1 बाणगंगा क्षेत्र का है। तो कुल 5 लोग ये हैं, इनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। इनके अन्य अगर साथी हों तो उनके संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। जब्ती क्या हुआ इनसे? इन चोरों से कुछ माल और बाकी जो राइफल चोरी गई, बंदूक चोरी गई थी 12 बोर की, वो बरामद हो चुकी है। बाकी पूछताछ में और PR के दौरान और भी चीज़ें बरामद होने की संभावना है। और कितनी चोरियों का खुलासा हुआ? अभी ये प्राथमिक पूछताछ में इस चोरी के अलावा एक चोरी का और बता रहे हैं, बाकी PR की अवधि के दौरान और भी पूछताछ किया जाएगा और उससे ही पता चल पाएगा कि इन्होंने और कोई घटना अंजाम दी है। आगामी त्यौहार को देखते हुए इंदौर पुलिस लगातार शांति भंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
इसी कड़ी में छतरीपुरा पुलिस ने एक क्षेत्र के कुख्यात बदमाश के खिलाफ NSA की कार्रवाई की है, जिस पर 13 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। NSA की कार्रवाई, आरोपी सागर पिता कालू चोलेवंश जाति बसोड़ उम्र 30 साल निवासी सेठी नगर, इनके विरुद्ध NSA की कार्रवाई की गई है। और आरोपी के विरुद्ध थाना छतरीपुरा पर कुल 13 अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमें से चाकूबाज, अवैध वसूली और सांप्रदायिकता फैलाने के संबंध में अपराध पंजीबद्ध हैं, जिन्हें आज गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल में दाखिल किया गया है।